इसके बाद में बताया जा रहा राणा लाखा की बुढ़ापे में शादी होगी, पता है सभी को किसके साथ हुई थी, हंसाबाई के साथ। हंसाबाई कहां की राजकुमारी थी, हमारे यहां की थी, मारवाड़ की। कहां की, हाँ जोधपुर नहीं है, मारवाड़ है। जोधपुर की स्थापना अभी तक नहीं हुई है, कब होती है, 1459 में। लिख लोगे, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, मारवाड़ के, मारवाड़, मारवाड़ के राव चूड़ा। अब देखिए चूड़ा और चूंडा कुछ भी लिखो एक ही बात है। मारवाड़ के राव चूड़ा की पुत्री हंसाबाई का विवाह, हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ, मेवाड़ के राणा लाखा के साथ सशर्त हुआ। सशर्त में समझ जाओगे क्या, लिखूं क्या, ये भी लिखना नहीं आ रहा। सशर्त ये है, मारवाड़ के रणमल, सॉरी कौन सा है, राव चूड़ा की पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ सशर्त हुआ। सशर्त का मतलब समझे क्या, साथ में शर्त है कौन सी। अब देखिए इधर जाकेगा, मारवाड़, देखिए राव चूड़ा लिखा है सही है, इधर राणा चूंडा लिखा ये भी सही है। अगर ये चूंडा लिखा या चूड़ा लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इसको चूंडा लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नाम के आगे क्या लगा वो आपको देखना है। अगर राव लगा है तो मारवाड़ का राजा आएगा, और अगर राणा लगा है तो कहां का राजा आएगा, मेवाड़ का। अब देखिए क्या होता है, मारवाड़ के राजा थे राव चूड़ा। ये राव चूड़ा वही है जिसे मारवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे, जो राजधानी बनाते हैं मंडोर को। किसको, जोधपुर अभी तक नहीं है, जोधपुर बाद में आएगा। मंडोर को राजधानी बनाया था, और मंडोर इनको मिला था दहेज में, पता है क्या, राठौड़ों को मंडोर दहेज में मिलेगा। इनके कहते राव चूड़ा के दो बेटे थे, एक और था कान्हा, कान्हा और कौन सा है रणमल, और बेटी कौन सी है हंसाबाई। कान्हा के बारे में कहा जाता है कि कान्हा ने करणी माता से युद्ध किया था। अब करणी माता से युद्ध करोगे तो मरोगे, कान्हा जी काम आ गए। दूसरा है रणमल, और रणमल की बहन कौन है, हंसाबाई। बताया जा रहा है रणमल राठौड़ ने हंसाबाई का रिश्ता तय किया था मेवाड़ के राजकुमार के लिए। कौन सा राजकुमार है, राणा चूंडा लाखा, तो 58 साल का डोगरा है, बुड्ढे को कैसे दोगे, अरे भाई ऐसे नहीं ज्यादा हो जाएगा। हंसाबाई का नारियल राणा लाखा के पुत्र राणा चूंडा के लिए भेजा, जो कि मेवाड़ का होने वाला राजा है। वही होगा क्या बड़ा बेटा है, पंडित जी को नारियल देकर रवाना किया, ऐसी जानकारी मिलती है। पंडित जी गए चित्तौड़गढ़, मारवाड़ से रवाना हुए, किसके लिए नारियल लेकर गए हैं, और मजे की बात राणा चूंडा दरबार में उपस्थित नहीं है, डोकरा बेटा कौन सा, राणा लाखा जी बैठे सुबह सुबह चित्तौड़गढ़ के झरोखों में नाश्ता करने के बाद घूम रहे। पंडित जी को जो ही देखा लाखा की नजर पड़ी, लाखा समझ गया रिश्ता आ रहा, क्या आ रहा, अब किसके लिए आ रहा वो लाखे को नहीं पता। और जो ही पंडित पास में आए, राणा लाखा बोला, इस उम्र में मेरे साथ मजाक किसने किया। इसका मतलब समझे क्या, हाँ लाखे को लगा मेरे लिए आया बंदा, ध्यान देना, ये नहीं पता कि घर में जवान छोकरा भी तो बैठा है, उसके लिए भी तो आ सकता है। लाखा को लगा मेरे लिए आया है, इस उम्र में मेरे साथ मजाक किसने किया, या यू कह दो लाखा ने बोला कि इस उम्र में बूढ़ों के लिए नारियल किसने भेजा। पंडित जी ने सुन लिया, अब क्या करें, लाया तो बेटे के लिए था, और मुंह धोरा कौन, बापू जी धोरे। कहते हैं पंडित जी ने छोट गया सा व्हाट्सएप मैसेज फेंका रणमल को, रणमल राठौर तेरी बहन का रिश्ता तो ले गया, मामला गड़बड़ हो गया।
अब कहते हैं रणमल राठौर खुद मेवाड़ पहुंचा, वहां जाकर लाखा को बोला, देख लाखा मैं शादी बहन की तेरे साथ करवा दूंगा। बहन कौन सी? लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है शर्त? यही है, जो हंसा के आपके जो बेटा होगा वो मेवाड़ का क्या बनना चाहिए? राजा। लाके ने कहा बड़ा लूंगा, शादी करवा दे। अब लेकिन लाके को लगा कि दिक्कत तो हो जाएगी, राजा तो कौन है, मेरे मरने के बाद तो कौन बनेगा, बड़ा बेटा ही बनता है। लेकिन रणमल ने देखी, अब देखिएगा रणमल ने बहन को बूढ़े को क्यों दी, क्या वजह है? वजह यही है, रणमल को पता था मेरा भाणिया राजा बनेगा, ठीक है, और मैं मेवाड़ का क्या बन जाऊंगा, राजा। बाणिया तो छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा, अभी जन्मेगा फिर राजा बनेगा, लाका तो बुढ़ा है वैसे ही जाने वाला है, पूरा का पूरा मेवाड़ अपन संभालेंगे। इसलिए कहते हैं रणमल राठौड़ ने बहन की शादी करवा दी किसके साथ? लाका के साथ। लेकिन शादी से पहले लाका ने कहा मेरे बेटे को पूछना तो पड़ेगा भाई, अगर वो अड़ गया कि मैं राजा बनूंगा तो। बाकी लाका ने कहा मेरी तरफ से तो हाँ है, कोई मना ही नहीं। और देखिए बताया जा रहा, कार्यक्रम शुरू हो गया शादी का, चित्तौड़गढ़ किले को दुल्हन की तरह सजा दिया गया, चारों तरफ से है ना दमादम मामला चल रहा, मिठाइयाँ वगैरह निकल रही है, मेहमान वगैरह आ रहे हैं। और देखिए शाम के समय भाई साहब की एंट्री हुई, किसकी? राणा चूंडा ने चित्तौड़गढ़ किले में प्रवेश किया और समझ गया अंदर कोई शादी हो रही है। अब हो किसकी रही है? बड़ा बेटा तो मैं हूं, मेरे को पता नहीं कि मेरी शादी हो रही। अब बेचारा ये थोड़ी समझेगा कि डोगरा शादी करने बैठ जाएगा। राणा चूंडा जो ही अंदर आया, सैनिक सामने आए, सैनिकों को पूछा भाई अंदर क्या चल रहा, सैनिकों ने कहा राणा चूंडा तेरी होने वाली बापू की होगी। हुई कि नहीं हुई? हंसा भाई का रिश्ता किसके लिए आया था? राणा चूंडा के लिए। और किसके साथ हो रहा है? और तेरा इंतजार कर रहे। बताया जा रहा राणा चूंडा ने पिताजी को बोला आप शादी भले करो, जो आपके औलाद हो उसी को आप मेवाड़ का क्या बनाना, मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं। इसलिए मेवाड़ का भीष्म पितामह या मेवाड़ का श्री राम कौन कहलाता है, याद रखोगे हो, मेवाड़ का भीष्म पितामह या मेवाड़ का श्री राम राणा चूंडा को कहते। प्रतिज्ञा ली, मैं कभी भी मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। शादी नहीं की क्या है ना उसने? शादी की है, ध्यान देना, हंसा भाई से नहीं की, चलता है कि शादी नहीं की, ध्यान देना। चूंडावत जितने भी दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे चूंडावत इसी चूंडे के, कौन से के? राणा चूंडा के। इस समय लाका ने कहा था मेवाड़ की सेना का हरावल का नेतृत्व कौन करेगा? चूंडावत। देखा होगा आपने महाराणा प्रताप वगैरह एपिसोड देखे होंगे, उसमें हर मैदान में चूंडावत नेतृत्व करता है, इनके वंशज करते। अब बड़े खुश हो गए, कौन? लाखा जी, शादी करवा देते हैं। लाखा प्लस हंसा बराबर मोकल, कौन सा बेटा होता है इनका?